हेलो इंजीनियर्स, वेलकम टू इंजीनियर्स क्लासेस। आज हम लोग इलेक्ट्रिकल सीरीज पार्ट टू करेंगे। इलेक्ट्रिकल सीरीज पार्ट वन में हम लोग इलेक्ट्रिकल ट्रैक्शन का क्वेश्चन सॉल्व किए थे, 110 इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव जो आपके एग्जाम में पूछे जा चुके थे या पूछेंगे। तो चलिए आज हम लोग एसी मशीन का क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, ऑब्जेक्टिव जो SSC JEE RRB आपके सेमेस्टर एग्जाम में पूछा जाता है या अनदर कम्पिटेटिव एग्जाम। बेस्ट 100 क्वेश्चन, इंपॉर्टेंट 100 क्वेश्चन रहेगा। तो चलिए शुरू करते हैं, इलेक्ट्रिकल सीरीज पार्ट टू का क्वेश्चन, एसी मशीन। पहला क्वेश्चन, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग कंपोनेंट इज यूजुअली फैब्रिकेटेड आउट ऑफ सिलिकॉन स्टील। क्या हो जाएगा? स्टेटर कोर का बनाया जाता है, स्टेटर कोर। शाफ्ट पूछेगा तो क्या, सॉरी क्या शाफ्ट पूछेगा तो हम क्या मान करेंगे? कार्बन स्टील। सिलिकॉन स्टील पूछा स्टेटर कोर, फ्रेम पूछता तो क्या हो जाता, फ्रेम में जाके हो जाता आपका कास्ट आयरन। द फ्रेम ऑफ एन इंडक्शन मोटर इज यूजुअली मेड ऑफ कास्ट आयरन। दो राइट ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर थर्ड, द शाफ्ट ऑफ एन इंडक्शन मोटर इज मेड ऑफ स्टील, मजबूत प्रदान करता है। ए, द शाफ्ट ऑफ एन इंडक्शन मोटर इज मेड ऑफ कार्बन स्टील। चार का राइट ऑप्शन सी हो जाएगा, कार्बन स्टील। क्वेश्चन नंबर पाँच, इसका PDF आपको हमारे टेलीग्राम चैनल में मिल जाएगा, आप वहाँ से ज्वाइन कर लीजिए। इन एन इंडक्शन मोटर नो लोड द स्लिप इज जनरली लेस देन 1%। पाँच का राइट ऑप्शन ए हो जाएगा, नो लोड द स्लिप कितना होता है, एक से बहुत कम होता है, 1%। इन मीडियम साइज इंडक्शन मोटर द स्लिप इज जनरली अराउंड, स्लिप कितना, 4%, मोस्टली 3 से 5% के बीच होता है। इसमें राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा, 4%। छः का राइट ऑप्शन सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 7, इन इस स्क्वायरल केज इंडक्शन मोटर द रोटर स्लॉट आर यूजुअली गिवन स्लाइट स्क्रू इन ऑर्डर। क्या हो जाएगा? 7 के, रिड्यूस मैग्नेटिक हम को करता है, रिड्यूस मैग्नेटिक हम। 7 का राइट ऑप्शन आपका हो जाएगा डी, रिड्यूस मैग्नेटिक हम। इन किस द एयर गैप एन इंडक्शन मोटर इज इंक्रीज्ड, पावर फैक्टर क्या होता है, डिक्रीज हो जाएगा। एयर गैप बढ़ाएंगे तो पावर फैक्टर घटता है। 8 का राइट ऑप्शन बी हो जाएगा। स्लिप रिंग आर यूजुअली मेड ऑफ फास्फोर ब्रॉन्ज। क्या, फास्फोर ब्रॉन्ज। 9 का राइट ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 10, ये 3 फेज 450 वोल्ट 50 हर्ट्ज इंडक्शन मोटर है स्लिप 4% फ्रीक्वेंसी ऑफ रोटर। क्या पूछा, फ्रीक्वेंसी ऑफ रोटर। तो ए फॉर बराबर हम लोग क्या जानते हैं, सॉरी ए फॉर बराबर हम लोग क्या जानते हैं, रोटर फ्रीक्वेंसी बराबर एस इन टू एफ। चलिए एस कितना दिया, 4%, 4/100 गुना फ्रीक्वेंसी कितना, 50 हर्ट्ज, 50 × 100, 2 × 4, यानी ए फॉर बराबर कितना आ गया, 2 हर्ट्ज। 2 हर्ट्ज कितना ऑप्शन नंबर में, सी में है। राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा, 10 के सी, 10 के राइट ऑप्शन सी हम लोग टिक कर देंगे। क्वेश्चन नंबर 11, इन एनएस इज द साइक्रोनस स्पीड एंड इज द स्लिप थिन एक्चुअल रनिंग स्पीड ऑफ एन इंडक्शन मोटर विल बी। राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा, 1 - S × NS। क्या हो जाएगा, 1 - S × NS। 11 का राइट ऑप्शन सी। चलिए इसको हम लोग देख लेते हैं कैसे यह हुआ, अगर आप लोग को समझ में नहीं आया तो स्लिप बराबर आप लोग क्या जानते हैं, NS - NR/NS। तो NS इधर चल गए थे, S × NS बराबर NS - NR। तो NR को ई साइड ले लाएंगे हम लोग, NR को ले लाएंगे क्योंकि पूछा है एक्चुअल रनिंग स्पीड बराबर NS - SNS। इधर ये SNS, यहाँ से क्या NS कॉमन है, × 1 - S। अगेन ऑप्शन सी राइट ऑप्शन, NS × 1 - S, यानी 11 का राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा, सी। क्वेश्चन नंबर 12, द इफिशियंसी ऑफ एन इंडक्शन मोटर कैन बी एक्सपेक्टेड टू बी नियरली 80 to 90%। 12 का राइट ऑप्शन बी हो जाएगा। द नंबर ऑफ स्लिप रिंग्स ऑन ए स्क्वायरल केज इंडक्शन मोटर इज यूजुअली, स्लिप रिंग स्क्वायरल केज के लिए 0 होता है, क्या होता है, 0। राइट ऑप्शन 13 का डी। स्लिप रिंग मोटर में स्लिप रिंग कितना होता है, 3 होता है, और साइक्रोनस मोटर में 2 होता है। हम लोग कॉपी में आप लोग नोट कर लेंगे सब चीज़ों को। 14, द स्टार्टिंग टॉर्क ऑफ ए स्क्वायरल केज इंडक्शन मोटर इज लो। स्टार्टिंग टॉर्क स्क्वायरल केज क्या होता है, लो होता है। यही पूछा था आपसे स्लिप रिंग इंडक्शन मोटर का, तो उसका थोड़ा हाई होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, ए डबल स्क्वायरल केज इंडक्शन मोटर हैज टू पैरेलल वाइंडिंग्स इन रोटर। कौन सा वाइंडिंग, टू पैरेलल वाइंडिंग, कौन कौन वाइंडिंग होता है डबल स्क्वायरल केज में। तो पहला होता है ऑक्सिलरी वाइंडिंग और दूसरा मेन वाइंडिंग। कौन कौन वाइंडिंग, ऑक्सिलरी वाइंडिंग एंड मेन वाइंडिंग। क्वेश्चन नंबर 16 की ओर चलेंगे, अ स्टार डेल्टा स्टार्टिंग ऑफ मोटर इज नॉट पॉसिबल इन केस ऑफ, नॉट पॉसिबल इन केस ऑफ सिंगल फेज मोटर में। क्या मोटर में, सिंगल फेज मोटर में। 16 का राइट ऑप्शन ए हो जाए। क्वेश्चन नंबर 17, द टर्म कोगिंग इज एसोसिएटेड विथ, कोगिंग किस में आता है टर्म, इंडक्शन मोटर में आता है कोगिंग या क्रेबलिंग इंडक्शन मोटर। 17 का राइट ऑप्शन डी हो जाएगा बच्चों।
क्वेश्चन नंबर 18, इन केस ऑफ द इंडक्शन मोटर द टॉर्क इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्लिप, गलत। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्लिप स्क्वायर, ये भी गलत। इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्लिप नहीं, क्या हो जाएगा, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। 18 का राइट ऑप्शन डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 19, तो देखिए पढ़िए इसको। एन इंडक्शन मोटर विथ 1000 आरपीएम यानी साइक्रोनस स्पीड 1000 आरपीएम स्पीड बिल है, तो पोल पूछ रहा है आपसे। इंडक्शन मोटर 1000 आरपीएम स्पीड बिल है, यहाँ फ्रीक्वेंसी नहीं दिया तो कितना हो जाएगा 50 हर्ट्ज, जहाँ पे फ्रीक्वेंसी नहीं दिया वहाँ पे 50 हर्ट्ज। तो चलिए यहाँ से एन एस बराबर लगाते हैं, एन एस 1000 है, रुके इसको साफ कर लेते हैं हम लोग। एन एस कितना है 1000 बराबर 120, एक्स कितना है 50, तो पी, तो यहाँ से पी निकालेंगे कितना रहेगा 6 पोल। देखिए 100 से 100, 100 से 100, 5 × 2 = 10, 2 × 6 = 12, तो पी बराबर कितना पोल आ गया 6 पोल। राइट ऑप्शन कितना हो जाएगा 6 पल, बी, उन्हें इसका बी हो जाएगा। चलिए बी 20वां क्वेश्चन की ओर। द गुड पावर फैक्टर ऑफ इंडक्शन मोटर कैन बी अचीव्ड इफ द एवरेज फ्लक्स डेंसिटी इन द एयर गैप इज स्मॉल, क्या हो जाएगा, गुड पावर फैक्टर ऑफ इंडक्शन मोटर कैन बी अचीव इफ द एवरेज फ्लक्स डेंसिटी इन द एयर गैप, एयर गैप का फ्लक्स स्मॉल होना चाहिए बी इसका। एन इंडक्शन मोटर इज आइडेंटिकल टू असाइक्रोनस मोटर, कौन सा मोटर असाइक्रोनस मोटर इसे कहते हैं, इसका राइट ऑप्शन डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 22, द इंजेक्टेड ईएमएफ इन द रोटर ऑफ इंडक्शन मोटर मस्ट हैव द सेम फ्रीक्वेंसी एज द स्लिप फ्रीक्वेंसी, क्या हो जाएगा, द सेम फ्रीक्वेंसी एज द स्लिप फ्रीक्वेंसी, बाईस का राइट ऑप्शन बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 23 बच्चों, विच ऑफ द फॉलोइंग मेथड इज इजिली एप्लीकेबल टू कंट्रोल द स्पीड ऑफ द स्क्वायरल केज इंडक्शन मोटर बाई चेंजिंग द नंबर ऑफ स्टेटर पोल्स, तेईस का राइट ऑप्शन ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 24, द क्रेवलिंग इन द इंडक्शन मोटर इज कॉज बाई, क्या हो जाएगा, द क्रेवलिंग, क्रेवलिंग में क्या हार्मोनिक्स डेवलप्ड इन द मोटर, 24 का राइट ऑप्शन सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 24 का सी, द ऑटो स्टार्ट यूजिंग थ्री ऑटो ट्रांसफार्मर कैन बी यूज टू स्टार्ट केज इंडक्शन मोटर ऑफ द फॉलोइंग टाइप, स्टार कनेक्टर में भी डेल्टा कनेक्टर में, 25 का राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा सी। द टॉर्क डेवलप इन द केज इंडक्शन मोटर विद ऑटो स्टार्टर इज K2X, क्या हो जाएगा, 26 का राइट ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 27, व्हेन द इक्विवेलेंट सर्किट डायग्राम ऑफ डबल स्क्वायरल केज इंडक्शन मोटर इज कंस्ट्रक्टेड द टू केज कैन बी कंसीडर इन पैरेलल, या भी बताते हैं ऑक्सिलरी वाइंडिंग और मेन वाइंडिंग, 27 का राइट ऑप्शन बी हो जाएगा। इट इज एडवाइजेबल टू अवॉइड लाइन स्टार्टिंग ऑफ इंडक्शन मोटर एंड यूज स्टार्टर बिकॉज मोटर टेक्स 5 to 7 टाइम इट्स फुल लोड करंट, क्या 5 to 7 टाइम फुल लोड करंट, 28 का राइट ऑप्शन ए है। A stepless speed control of induction motor is possible by which of the following methods? Changing the number of pole, this could be changing the number of pole. Rotor rheostat control method of speed control is used for only slip ring induction motor. This could right option B. In the circle diagram for induction motor, the diameter of the circle represents rotor current. This could right option B. क्वेश्चन नंबर 32, फॉर व्हिच मोटर द स्पीड कैन बी कंट्रोल्ड फ्रॉम रोटर साइड, क्या हो जाएगा, स्लिप रिंग इंडक्शन मोटर, 32 का राइट ऑप्शन बी, एक्सटर्नल रेजिस्टेंस हम लोग स्लिप रिंग इंडक्शन मोटर में ऐड करते हैं। इफ एनी टू फेजेस फॉर एन इंडक्शन मोटर आर इंटरचेंज, टू फेज को इंटरचेंज करते हैं तो क्या हो जाएगा, रिवर्स डायरेक्शन में द मोटर विल रन इन रिवर्स डायरेक्शन, 33 का राइट ऑप्शन ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 34, एन इंडक्शन मोटर इज सेल्फ स्टार्टिंग विथ लो टॉर्क, क्या हो जाएगा, 34 का सी, सेल्फ स्टार्टिंग विथ लो टॉर्क। The maximum torque in an induction motor depends on frequency पे, rotor inductive reactance, square of supply voltage यानी 8 है, 35 का राइट ऑप्शन डी हो जाएगा, ऑल ऑफ द ए। क्वेश्चन नंबर 36, इन थ्री फेज स्क्वायरल केज इंडक्शन मोटर्स, थ्री फेज स्क्वायरल केज इंडक्शन मोटर क्या हो जाएगा, रोटर कंडक्टर आर शॉर्ट सर्किट थ्रू इंड रिंग्स, रोटर कंडक्टर आर शॉर्ट सर्किट थ्रू इंड रिंग्स, 36 का राइट ऑप्शन बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 37, इन थ्री फेज इंडक्शन मोटर द नंबर ऑफ पोल्स इन रोटर वाइंडिंग इज ऑलवेज इक्वल टू द नंबर ऑफ पोल्स इन स्टेटर, 37 के राइट ऑप्शन डी हो जाएगा इंजीनियर। 38, DOL स्टार्टिंग ऑफ इंडक्शन मोटर इज यूजुअली रिस्ट्रिक्टेड टू लो हॉर्स पावर मोटर, 38 का राइट ऑप्शन ए हो जाएगा, लो हॉर्स पावर। क्वेश्चन नंबर 40%, स्पीड ऑफ स्क्वायरल केज इंडक्शन मोटर कैन बी कंट्रोल बाय ऑल ऑफ द फॉलोइंग स्पीड, इसमें से किसको छोड़कर स्क्वायरल केज कंट्रोल कर सकते हैं, चेंजिंग सप्लाई फेज को, ये तो सही है, चेंजिंग नंबर ऑफ पोल्स इससे भी कर सकते हैं,
चेंजिंग बाइंडिंग रेजिस्टेंस को चेंज करके ना रेड्यूस सप्लाई वोल्ट, इसे भी कर सकते हैं, यानी राइट ऑप्शन हो जाएगा सी, चेंजिंग बाइंडिंग रेजिस्टेंस इसमें एप्लीकेबल नहीं है। क्वेश्चन नंबर 40, द क्रेबलिंग इन एन इंडक्शन मोटर इज कॉल्ड व्हाई, हार्मोनिक्स डेवलप्ड इन द मोटर। 40 का राइट ऑप्शन डी हो जाएगा। 41, द पावर फैक्टर ऑफ एन इंडक्शन मोटर अंडर नो लोड कंडीशन विल बी क्लोजर टू 0.2 लैगिंग, क्या हो जाएगा। 41 का राइट ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 42, द कोकिंग ऑफ एन इंडक्शन मोटर कैन बी अवॉइडेड बाई हैविंग नंबर ऑफ रोटर स्लॉट मोर और लेस देन द नंबर ऑफ स्टेटर स्लॉट नॉट इक्वल, यानी 38 के राइट ऑप्शन, 42 के राइट ऑप्शन डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 43, इफ एन इंडक्शन मोटर विथ सर्टेन रेशियो ऑफ रोटर टू स्टेटर स्लॉट रन एट 1/7 ऑफ द नॉर्मल स्पीड द फिनोमिनन विल बी टर्म एज, क्या कहलाता है। क्रेवलिंग। 43 के राइट ऑप्शन सी हो जाएगा। स्लिप ऑफ एन इंडक्शन मोटर इज नेगेटिव थेन रोटर स्पीड इज मोर देन सिंक्रोनस स्पीड ऑफ द फील्ड एंड आर इन द सेम डायरेक्शन। क्वेश्चन नंबर 45, द साइज ऑफ हाई स्पीड मोटर इज कम्पेयर टू लो स्पीड मोटर द सेम एच पी विल बी स्मॉलर, क्या हो जाएगा स्मॉलर। इसका राइट ऑप्शन देख लेंगे 45 के बी। 46, ए थ्री फेज इंडक्शन मोटर स्टेटर डेल्टा कनेक्टेड इज कैरिंग फुल लोड एंड वन ऑफ इट्स फ्यूज विल ब्लो आउट थेन द मोटर विल कंटिन्यू रनिंग रनिंग इट्स वन फेज। 46 के राइट ऑप्शन ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 47, ए थ्री फेज इंडक्शन मोटर डेल्टा कनेक्टर इज कैरिंग टू हैवी लोड एंड वन ऑफ इट्स फ्यूज ब्लो आउट थेन द विल स्टॉप एंड कैरी हैवी करंट कॉजिंग परमानेंट डैमेज टू इट्स वाइंडिंग। 47 के राइट ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 48, लो वोल्टेज एट मोटर टर्मिनल इज ड्यू टू एनी ऑफ द एबव इंडिपेंडेंट मोटर वायरिंग प्योरली रेगुलेटेड पावर सप्लाई, यानी 48 के राइट ऑप्शन सी हो जाएगा। इन एन इंडक्शन मोटर द रिलेशनशिप बिटवीन स्टेटर स्लॉट एंड रोटर स्लॉट इज दैट स्टेटर स्लॉट आर नॉट एग्जैक्ट मल्टीप्लाई ऑफ रोटर स्लॉट। 48 का राइट ऑप्शन सी हो जाएगा। 50, स्लिप रिंग मोटर इज रिकमेंड वेयर स्पीड कंट्रोल इज रिक्वायर्ड फ्रीक्वेंट स्टार्टिंग स्टॉपिंग एंड रिवर्सिंग इज रिक्वायर्ड हाई स्टार्टिंग टॉर्क इज नीडेड ऑल ऑफ फीचर आर रिक्वायर्ड, यानी 50 का राइट ऑप्शन डी हो जाएगा। एज लोड ऑन इंडक्शन मोटर गोज ऑन इंक्रीजिंग, यानी कॉमन लोड ऑन इंडक्शन मोटर गोज ऑन इंक्रीजिंग, क्या हो जाएगा डी ऑप्शन हो जाएगा। इट्स पावर फैक्टर गोज ऑन इंक्रीजिंग ऑफ द फुल लोड एंड देन इट्स फॉल अगेन, कॉमन का राइट ऑप्शन डी। 52, इफ ए थ्री फेज सप्लाई इज गिवन टू द स्टेटर एंड रोटर इज शॉर्ट सर्किट रोटर विल मूव इन द सेम डायरेक्शन एज द डायरेक्शन ऑफ द फील्ड, कॉमन का राइट ऑप्शन बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 53, इट इज एडवाइजेबल टू अवॉइड लाइन स्टार्टिंग ऑफ इंडक्शन मोटर एंड यूज स्टार्टर बिकॉज मोटर टेक्स 5-7 टाइम्स एट फुल लोड करें, 53 का राइट ऑप्शन सी हो जाएगा। द स्पीड कैरेक्टरिस्टिक ऑफ एन इंडक्शन मोटर क्लोजली रिसेंबल द स्पीड लोड कैरेक्टरिस्टिक ऑफ ईच ऑफ द फ्लोइंग मशीन, डीसी शंट मोटर, 54 का राइट ऑप्शन बी हो जाएगा। डीसी शंट मोटर की जैसे क्लोजर होता है। व्हिच टाइप ऑफ बीयरिंग इज प्रोवाइडेड इन अ स्मॉल इंडक्शन मोटर टू सपोर्ट द रोटर शाफ्ट, बॉल बेयरिंग, कौन बेयरिंग, बॉल बेयरिंग, 55 का राइट ऑप्शन ए हो जाएगा। ए पंप इंडक्शन मोटर इज स्विच ऑन ए सप्लाई 30% लोअर देन इट्स वोल्टेज द पंप रन्स व्हाट विल बी इवेंचुअली एज हैपन इट विल गेट हीटेड एंड सबसिक्वेंटली गेट डैमेज, 56 का राइट ऑप्शन डी हो जाएगा। ए थ्री फेज स्लिप रिंग मोटर हैज डबल केज रोटर बुंड रोटर, कौन रोटर, स्लिप रिंग मोटर को क्या कहते हैं, बुंड रोटर भी कहते हैं हम लोग, 58 का राइट ऑप्शन बी हो जाएगा। द स्टार्टिंग टॉर्क ऑफ ए थ्री फेज स्क्वायरल केज इंडक्शन मोटर इज 1.5 टाइम्स द फुल लोड टॉर्क, 59 के बी। क्वेश्चन नंबर 60, शॉर्ट सर्किट टेस्ट ऑन एन इंडक्शन मोटर कैन नॉट बी यूज टू डिटरमाइन विंडेज लॉसेस, शॉर्ट लोड क्या विंडेज लॉसेस डिटरमाइन नहीं करता। क्वेश्चन नंबर 61, इन ए थ्री फेज इंडक्शन मोटर आयरन लॉसेस इन अ स्टेटर विल बी मोर देन दैट इन रोटर, 61 का राइट ऑप्शन डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 62, इन केस ऑफ थ्री फेज इंडक्शन मोटर प्लगिंग मीन्स इंटरचेंजिंग टू सप्लाई फेज फॉर क्यूक सप्लाई, 61 का राइट ऑप्शन, 62 का राइट ऑप्शन डी हो जाएगा। बीच ऑफ द फ्लोइंग डाटा इज रिक्वायर्ड टू ड्रा द सर्कल डायग्राम फॉर एन इंडक्शन मोटर, कौन कौन, ब्लॉक रोटर टेस्ट, नो लोड टेस्ट नहीं, सॉरी ब्लॉक रोटर टेस्ट भी होता है, नो लोड टेस्ट भी, ब्लॉक रोटर टेस्ट एंड नो लोड टेस्ट, एक क्या होता था,
एक स्टेटर रेजिस्टेंस टेस्ट यानी 63 का राइट ऑप्शन डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 64, इन थ्री फेज इंडक्शन मोटर सम टाइम्स कॉपर बार्स आर प्लेस डीप इन द रोटर इंप्रूव स्टार्टिंग टॉर्क। 64 का राइट ऑप्शन ए हो जाएगा। इन थ्री फेज इंडक्शन मोटर पावर फैक्टर एट स्टार्टिंग इज लो एज कम्पेयर टू दैट होल व्हाइल रनिंग। 65 का राइट ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 66, द वैरायटी ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन रेशियो ऑफ एन इंडक्शन मोटर कैन बी फाउंड व्हाई। शॉर्ट सर्किट टेस्ट ऑन। 66 का राइट ऑप्शन बी हो जाएगा। द पावर स्केल ऑफ सर्कल डायग्राम ऑफ एन इंडक्शन मोटर कैन बी फाउंड फॉर्म। शॉर्ट सर्किट टेस्ट ओनली। 67 का राइट ऑप्शन सी हो जाएगा। द शेप ऑफ द टॉर्क स्लिप कर्व ऑफ इंडक्शन मोटर इज रेक्टेंगुलर पैराबोला। 68 का डी सॉरी आंसर क्या सी रेक्टेंगुलर पैराबोला। ए चेंज ऑफ 4% ऑफ सप्लाई वोल्टेज टू एन इंडक्शन मोटर विल प्रोड्यूस ए चेंज ऑफ अप्रोक्सीमेटली। स्क्वायर कर देंगे इसका 16% इन वोल्टेज टॉर्क। 69 का डी राइट ऑप्शन। द स्टार्टिंग टॉर्क ऑफ स्लिप रिंग इंडक्शन मोटर कैन बी इंक्रीज बाई एडिंग एक्सटर्नल रेजिस्टेंस टू द रोटर। स्लिप रिंग में एक्सटर्नल रेजिस्टेंस टू द रोटर करते हैं ऐड करते हैं हम लोग। चलिए क्वेश्चन नंबर 71 पढ़ते हैं। 500 किलो वाट 3 फेज 440.50 हर्ट्ज स्पीड ऑफ 960 RPM RPM ऑन फुल लोड द मशीन है जे 6 पोल। कितना पोल 6 पोल। द स्लिप ऑफ द मशीन स्लिप निकालना है तो पहले तो साइक्रोनस स्पीड हम लोग को निकालना पड़ेगा। तो एन एस बराबर हम लोग क्या जानते हैं 120। एफ कितना है फ्रीक्वेंसी देख ली 50 हर्ट्ज है बट 6 पोल्स 6 × 12 यानी 1000 RPM आ गया साइक्रोनस स्पीड। चलिए हम लोग स्लिप अब निकालते हैं। क्या निकालते हैं स्लिप तो एस बराबर एन एस माइनस एन आर बटा एन एस होता है। तो ए फार्मूला से हम लोग चलते हैं स्लिप एस एन एस कितना लाए थे हम लोग 1000 RPM माइनस देखिए स्पीड अप होती है मोटर 960/1000 तो 1000 में से 960 गया यानी 40/1000 गुना 100। तो यहाँ परसेंटेज स्लिप नहीं पता इसलिए यहाँ पे गुना 100 नहीं करेंगे। चलिए 100 से 100 100 यानी कितना गया 0.04 राइट ऑप्शन डी हो जाएगा। खतर का राइट ऑप्शन डी फॉर्मूला अच्छा सा आप देख रहे हैं। द कम्प्लीट सर्कल डायग्राम ऑफ इंडक्शन मोटर कैन बी ड्रावन विद द हेल्प ऑफ इट। अभी ऊपर बताए थे ऑल ऑफ द अबव नो लोड टेस्ट ब्लॉक रोटर टेस्ट स्टेटर रेजिस्टेंस वेक्टर के डी ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 73, इन द स्क्विरल केज इंडक्शन मोटर द रोटर स्लॉट आर यूजुअली गिवन स्लॉट एज स्क्रू टू रिड्यूस द मैग्नेटिंग हम एंड लॉकिंग टेंडेंसी ऑफ द रोटर। 73 का राइट ऑप्शन ए हो जाएगा। 74, द टॉर्क ऑफ ए रोटर इन एन इंडक्शन मोटर अंडर रनिंग कंडीशन इज मैक्सिमम एट द वैल्यू ऑफ द स्लिप व्हिच मेक्स रोटर रिएक्टेंस पर फेज इक्वल टू द रेजिस्टेंस पर फेज। 74 का राइट ऑप्शन सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 75, व्हाट विल हैपन इफ द रिलेटिव स्पीड बिटवीन द रोटेटिंग फ्लक्स ऑफ स्टेटर एंड रोटर ऑफ द इंडक्शन मोटर इज जीरो द रोटर विल नॉट रन। क्या हो जाएगा रोटर विल नॉट रन। 75 का राइट ऑप्शन बी। द सर्कल डायग्राम ऑफ फोर एन इंडक्शन मोटर कैन नॉट बी यूज्ड टू डिटरमाइन इफिशिएंसी। सर्कल डायग्राम क्या नहीं डिटरमाइन करता इफिशिएंसी। 76 का ए। ब्लॉक्ड रोटर टेस्ट ऑन इंडक्शन मोटर इज यू टू फाइंड आउट लीकेज रिएक्टेंस पावर फैक्टर ऑन शॉर्ट सर्किट करंट अंडर रेटेड वोल्टेज ऑल ऑफ द अबव। 77 का राइट ऑप्शन डी। लुब्रिकेंट यूज्ड फॉर बॉल बेयरिंग इज यूजुअली ग्रीस। क्या करते हैं ग्रीस से। 78 के राइट ऑप्शन बी हो जाएगा। एन इंडक्शन मोटर कैन रन एट साइक्रोनस स्पीड व्हेन EMF is injected in the rotor circuit. 69 का राइट ऑप्शन डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 80, व्हिच मोटर इज प्रेफर्ड फॉर यूज इन माइंस वेयर एक्सप्लोसिव गैसेज एग्जिस्ट। एयर मोटर। क्या करते हैं एयर मोटर। 80 के ए एयर मोटर में द टॉर्क डेवलप्ड बाय अ थ्री फेज इंडक्शन मोटर लीस्ट डिपेंड ऑन शाफ्ट डायामीटर। 81 का राइट ऑप्शन डी हो जाएगा शाफ्ट डायामीटर। क्वेश्चन नंबर 82, इन एन इंडक्शन मोटर इफ द एयर गैप इज इंक्रीज पावर फैक्टर बिल भी डिक्रीज यानी लो हो जाएगा। राइट ऑप्शन ए है। ये ऊपर भी हम लोग क्वेश्चन डिस्कस कर ले चुके हैं। इन इंडक्शन मोटर परसेंटेज स्लिप डिपेंड्स ऑन कॉपर लॉसेस इन मोटर। 83 का राइट ऑप्शन सी। व्हेन R2 इज द रोटर रेजिस्टेंस यहाँ पर R2 छूट गया है X2 द रोटर रिएक्टेंस सप्लाई फ्रीक्वेंसी एंड S द स्लिप इन द कंडीशन फॉर मैक्सिमम टॉर्क अंडर रनिंग करें। R2 बराबर S X2 क्या होता है R2 बराबर S X2। 84 का राइट ऑप्शन सी मैक्सिमम कंडीशन नहीं होता।
इन केस ऑफ ए डबल केज इंडक्शन मोटर द इनर केज हैज हाई इंडक्टेंस एंड लो रेजिस्टेंस। 85 के राइट ऑप्शन ए हो जाएगा। द लो पावर फैक्टर ऑफ इंडक्शन मोटर इज ड्यू टू रोटर लीकेज रिएक्टेंस, स्टेटर रिएक्टेंस, द रिएक्टिव लैकिंग मैग्नेटाइजिंग करंट नेसेसरी टू जनरेट द मैग्नेटिक फ्लक्स, यानी ऑल ऑफ द ए। 86 का राइट ऑप्शन डी हो जाएगा। इन इंसर्शन ऑफ रिएक्टेंस इन द रोटर सर्किट, इन सर्टेन ऑफ रिएक्टेंस इन द रोटर सर्किट रिड्यूस स्टार्टिंग टॉर्क एज वेल एज मैक्सिमम टॉर्क। 87 का राइट ऑप्शन ए हो जाएगा। इन सेक्शन ऑफ रेजिस्टेंस इन द रोटर ऑफ एन इंडक्शन मोटर टू डेवलप द गिवन टॉर्क डिक्रीज द रोटर करंट, या नहीं होता है इंक्रीज द रोटर करंट, या नहीं रोटर करंट बिकम्स जीरो, या नहीं सेम रहता है क्या रोटर करंट, सेम रहता है, यानी इसका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, फॉर ड्राइविंग हाई इनर्सिया लोड्स बेस्ट टाइप ऑफ इंडक्शन मोटर सजेस्ट एज स्लिप रिंग टाइप, क्या स्लिप रिंग टाइप। 89 का राइट ऑप्शन ए। टेम्परेचर ऑफ द स्टेटर वाइंडिंग ऑफ ए थ्री फेज इंडक्शन मोटर इज ऑब्टेंड बाय रेजिस्टेंस राज मेथड, थर्मोमीटर मेथड, इंबेडेड टेम्परेचर मेथड, ऑल ऑफ एवम मेथड। 90 का राइट ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 91, द पर्पज ऑफ यूजिंग शॉर्ट सर्किट गियर इज टू शॉर्ट सर्किट द रोटर एट स्लिप रिंग्स। 91 का राइट ऑप्शन ए होना है। क्वेश्चन नंबर 92, इन स्क्वायरल केज मोटर द इंड्यूस्ड ईएमएफ इज स्लिप टाइम्स द स्टैंड ईएमएफ, स्टैंड स्टिल ईएमएफ इंड्यूस्ड इन द रोटर। 92 का राइट ऑप्शन सी। लेस मेंटेनेंस ट्रेवल्स आर एक्सपीरियंस इन केस ऑफ स्क्वायरल केज इंडक्शन मोटर। 93 का राइट ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 94, ये स्क्वायरल केज इंडक्शन मोटर इज नॉट सिलेक्टेड व्हेन हायर स्टार्टिंग टॉर्क इज द मेन कंसिडरेशन। 94 का राइट ऑप्शन सी, हायर स्टार्टिंग टॉर्क के लिए नहीं, रिड्यूस्ड वोल्टेज स्टार्टर कैन बी यूज्ड विद स्क्वायरल केज एज वेल एज स्लिप रिंग इंडक्शन मोटर। 95 का राइट ऑप्शन सी, स्लिप रिंग मोटर इज प्रेफर्ड ओवर स्क्वायरल केज इंडक्शन मोटर वेयर हायर स्टार्टिंग टॉर्क इज रिक्वायर्ड। 96 का राइट ऑप्शन ए। इन स्टार डेल्टा स्टार्टर ऑफ एन इंडक्शन मोटर इज अप्लाइड वोल्टेज पर स्टेटर फेज इज 57.7% ऑफ द लाइन वोल्ट, कितना 57.7। 97 का राइट ऑप्शन डी। द टॉर्क ऑफ एन इंडक्शन मोटर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्लिप, ये ऊपर भी आ चुका है। 98 की द रोटर ऑफ इंडक्शन मोटर रन्स एट बिलो साइक्रोनस स्पीड, क्या बिलो साइक्रोनस। 99 का राइट ऑप्शन बी। द स्टार्टिंग टॉर्क ऑफ ए थ्री फेज इंडक्शन मोटर कैन बी इंक्रीज बाय बोथ ए एंड बी इंक्रीजिंग स्लिप इंक्रीजिंग करेंट। 100 का राइट ऑप्शन सी होना है। इंसर्शन ऑफ रेजिस्टेंस इन द स्टेटर ऑफ एन इंडक्शन मोटर इंक्रीज द लोड टॉर्क 90 डिग्री द स्टार्टिंग टॉर्क। 110 का राइट ऑप्शन बी हो जाएगा। तो आज हम लोग क्वेश्चन सॉल्व कर लिए एसी मशीन का इलेक्ट्रिकल सीरीज, कौन सा सीरीज, इलेक्ट्रिकल सीरीज जो है। हर हफ्ते में आपको दो वीडियो मिलेगी, तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो चलिए आपसे जल्द ही मिलते हैं इलेक्ट्रिकल सीरीज पार्ट 3 में, तब तक के लिए